अब हम इलेक्ट्रिशियन द्वारा किए गए इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया सीखने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि सर्किट को सक्रिय करने से पहले हाउस वायरिंग का किस प्रकार का इंस्पेक्शन और टेस्टिंग किया जाना चाहिए। निरीक्षण और परीक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? इंस्पेक्शन और टेस्टिंग की मूल बातें हैं। पहले यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करें कि विद्युत स्थापना के साथ सब कुछ सही है, और दूसरे यह सुनिश्चित करने के लिए विद्युत स्थापना का परीक्षण करें कि यह सही ढंग से कार्य करता है। क्या यह एक आवश्यकता है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निरीक्षण और परीक्षण किसी भी इलेक्ट्रिशियन के लिए आवश्यक कौशल है। निपुणता ही इस योग्यता का प्रमाण है। परिचय। निरीक्षण और परीक्षण गुणवत्ता नियंत्रण के कार्य संबंधी भाग है। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और वाणिज्यिक या घरेलू उपयोग में विद्युत नेटवर्क के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। टेस्टिंग, इंस्पेक्शन और एग्जामिनिंग के बीच अंतर। पहला, टेस्टिंग। आमतौर पर परीक्षण में खामियों या दोषों को खोजने के लिए आवेदन का मैनुअल परीक्षण होता है। सिस्टम में खामियां खोजने और उन्हें ठीक करने के लिए विद्युत परीक्षण किया जाता है। दूसरा, इंस्पेक्शन। यह किसी भी चीज की समीक्षा करने के लिए एक प्रक्रिया है, जिसका दस्तावेजीकरण किया जाता है और जिसे परीक्षण करने के लिए आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, ट्रांसमिशन लाइनों पर गश्त करना। निरीक्षण प्रारंभिक अवस्था में दोषों का पता लगाने में मदद करता है। तीसरा, एग्जामिनिंग। इसका उपयोग परीक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, परीक्षण के दौरान शामिल विभिन्न चरण। इंस्पेक्शन और टेस्टिंग। इंस्पेक्शन, हम व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की उम्र, खराब होने और अधिक भार के संबंध में स्थापना का निरीक्षण करते हैं। दृश्य निरीक्षण का पहला भाग यह सुनिश्चित करना है कि सिस्टम परीक्षण के लिए सुरक्षित है। आमतौर पर शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह बिजली आपूर्ति इनकमर पैनल होगी। यह स्थापना की उम्र, प्रकार और आकार का उचित संकेत देगी। बिजली आपूर्ति इनकमर पैनल के निरीक्षण के लिए निम्नलिखित चेकलिस्ट है। किसी भी कवर को हटाने से पहले आपूर्ति की मात्रा को देखने के लिए चीजें होंगी। पहला, बिजली आपूर्ति प्रणाली का प्रकार। दूसरा, सर्किट के लिए किस प्रकार की सुरक्षा है। तीसरा, क्या मूल स्थापना के लिए दस्तावेज उपलब्ध हैं। चौथा, क्या उपभोक्ता की इकाई का लेबल सही है। पांचवा, क्या अर्थिंग कंडक्टर जगह पर है। छठा, अर्थिंग कंडक्टर का आकार। सातवां, अर्थिंग कंडक्टर हरा है या हरा और पीला। आठवां, क्या सभी सर्किट एक उपभोक्ता की इकाई में हैं या दो या तीन इकाइयां हैं जिन्हें संयोजन की आवश्यकता है। नवा, क्या कोई रेसिडुअल करंट डिवाइस RCD है। यदि हाँ, तो क्या उस पर कोई लेबल लगा दिया गया है। क्या यह वोल्टेज या करंट से संचालित के प्रकार है। दसवां, क्या इंक्लोजर आवश्यक IP कोड को पूरा करते हैं। ग्यारहवां, यदि परिवर्तन किए गए हैं तो क्या परीक्षण के दस्तावेज उपलब्ध हैं। बारहवां, आपूर्ति फ्यूज MCB किस माप का है। क्या यह आवश्यक भार के लिए काफी बड़ा है। तेरहवां, क्या आपूर्ति उपकरण पर सील टूटी हुई है। यदि वह है तो यह संकेत दे सकता है कि सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि यह पहली बार स्थापित किया गया था और शायद एक करीबी जांच की आवश्यकता है। चौदहवां, क्या कोई परिवर्तन या परिवर्धन किया गया है। पंद्रहवां, क्या कोई परिवर्तन या परिवर्धन संबंधित सर्किट के लिए आवश्यक डिस्कनेक्शन समय को प्रभावित करेगा। स्थापना को चालू करने से पहले परीक्षण को एक विशिष्ट क्रम में करने की भी आवश्यकता होती है। यदि परीक्षण का कोई भी भाग नियमों का पालन करने में विफल रहता है, तो उस परीक्षण के साथ साथ पहले से किए गए किसी भी अन्य परीक्षण को गलती को ठीक करने के बाद दोहराया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि परीक्षणों के परिणाम सटीक नहीं हो सकते हैं और यह गलती से प्रभावित हो सकते हैं। सामान्य परीक्षण में निम्नलिखित शामिल है। पहला, स्थापना और अर्थ के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण। दूसरा,
तारों के कंडक्टरों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण। तीसरा, हाउस वायरिंग में पोलैरिटी टेस्ट। चौथा, विद्युत स्थापना की अर्थ निरंतरता परीक्षण। पांचवा, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर RCCB का परिचालन परीक्षण। अब हम निरीक्षण और परीक्षण के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया देखेंगे। पहला, सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर डेंजर बोर्ड लेबल को ठीक से लगा है जांचेंगे। दूसरा, मुख्य द्वार खोलने के बाद सिंगल लाइन डायग्राम SLD को ठीक से लगा हो और वायरिंग SLD के अनुसार किया गया हो। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का बॉडी अर्थिंग ठीक से लगा होना चाहिए, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि यह ढीली स्थिति में पाया गया था, अब हम इसे ठीक से लगा रहे हैं। चौथा, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के कवर को खोलेंगे और प्रोटेक्टिव डिवाइस और वायर को ठीक से कनेक्ट है चेक करेंगे। पांचवा, अब आप तीन फेज बिजली वितरण देख रहे हैं, जिसमें आने वाली बिजली आपूर्ति चार पोल मिनिएचर करंट सर्किट ब्रेकर MCB से आती है और आउटगोइंग रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर RCCB इनपुट टर्मिनल से जुड़ी है। RCCB आउटपुट टर्मिनल से बिजली की आपूर्ति अलग अलग फेज MCB में जाती है। RCCB असंतुलित करंट फ्लो से सुरक्षा देता है, उस स्थिति में यह सर्किट को तोड़ देता है। हम जानते हैं कि करंट फेज से होकर प्रभावित होता है और न्यूट्रल से लौटता है, इस तरह यह सर्किट को पूरा करता है। इसे बैलेंस सिस्टम कहते हैं। यदि किसी भी स्थिति में जब करंट फेज से गुजर रहा हो और कुछ हिस्सा पृथ्वी पर वापस आ जाए और बाकी हिस्सा न्यूट्रल वायर के जरिए वापस आ जाए, इसे असंतुलन प्रणाली कहा जाता है। ऐसी स्थिति में RCCB सर्किट को तोड़ देगा, इसलिए हम RCCB का उपयोग करते हैं। यह मानव शरीर के साथ साथ उपकरणों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ हम जांच करेंगे कि RCCB और MCB ठीक से फिक्स है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तार से जुड़े DB और उपकरण पर अंत में उचित फेरूल और लेबलिंग हो। यहाँ आप सभी तारों को उचित फेरूल और लेबल के साथ लगा हुआ देख रहे हैं। लेबलिंग हम तार के उचित अंकन नामकरण के लिए करते हैं। हम सभी तारों की लेबलिंग और जकड़न सुनिश्चित करते हैं, सभी क्रम में हैं। छठा, हमें फेस के बीच और फेस और अर्थ के बीच के विभिन्न तारों के इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच करनी है। सातवां, हमें अर्थ प्रतिरोध की जांच करना होता है। आठवां, हमें पोलैरिटी टेस्ट की जांच करना होता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि फेज वायर स्विच के माध्यम से नियंत्रित हो। नौवां, उपकरणों से जुड़े वितरण बोर्ड से सही तार सुनिश्चित करने के लिए हमें निरंतरता परीक्षण करना होगा। दसवां, अब हम जांच करेंगे कि RCCB ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए हम सॉकेट की कवर प्लेट खोल रहे हैं। चालू पावर स्थिति में टेस्ट लैंप के माध्यम से हम सॉकेट न्यूट्रल वायर को अर्थ वायर से जोड़ रहे हैं और RCCB सर्किट को तोड़ता है या नहीं देखेंगे। जैसा कि आपने देखा, टेस्ट लैंप के माध्यम से सॉकेट न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ पॉइंट से जोड़ने के बाद RCCB लाइट स्विच ऑफ के रूप में सर्किट को तोड़ता है, दिखा रहा है कि RCCB ठीक से काम कर रहा है। निरीक्षण और परीक्षण के बाद हम क्या करते हैं? उचित निरीक्षण और परीक्षण के बाद यदि परीक्षण का कोई भाग नियमों का पालन करने में विफल रहता है, उस परीक्षण के साथ साथ पहले से किए गए किसी भी अन्य परीक्षण को गलती को ठीक करने के बाद दोहराया जाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परीक्षणों के परिणाम सटीक नहीं हो सकते हैं और यह गलती से प्रभावित हो सकते हैं। यदि उचित निरीक्षण और परीक्षण के बाद सभी परिणाम क्रम में पाए जाते हैं, तो हम आपूर्ति शुरू कर सकते हैं।